एशिया कप 2023 के नॉकआउट मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को रौंदते हुए फाइनल की रेस से बाहर कर दिया। पाकिस्तान टीम के एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दिया है। शोएब ने कहा कि कभी पाकिस्तान भारत का फाइनल नहीं हो सकता। गौरतलब हो कि गुरुवार को खेले गए दमदार मुकाबले में श्रीलंका ने आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को 2 विकेट से मात दे दी। चैरेथ अस्लांका ने अपनी दमदार पारी की बदौलत टीम को जीत दिला दी। बाबर आजम की टीम को टूर्नामेंट से बाहर होता देख पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस बात पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि एशिया कप में पहली बार भारत पाक फाइनल का मौका गंवा दिया। इसके अलावा शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए वनडे में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज जमान खान की जमकर तारीफ की। हारिस रऊफ के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किया गया था। जमान को मैच में एक भी विकेट नहीं मिला और उन्होंने 6 ओवर में 39 रन दिए, फिर भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से अख्तर को प्रभावित किया। पाकिस्तान के पास मैच जीतने की जो भी संभावनाएं थी वो सब उन्हीं की वजह से थी। शाहीन आफरीदी को भी कुछ विकेट मिले, लेकिन इसका श्रेय जमान को जाता है। उन्होंने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की। श्रीलंका ने अच्छा खेला और वो फाइनल के हकदार थे। दुनिया को अब भारत पाकिस्तान फाइनल मैच नहीं देखने को मिलेगा। मैच आपने देख लिया है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और जितना मैच बना जमान ने बनाया, परसों उतरा था और ये लड़का पीएसएल में बहुत ही आला बॉलिंग की है इसने। जितना मैच बनाया उन्होंने बनाया और शाहीन ने भी आउट किए, लेकिन क्रेडिट गोज टू जमान, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पाकिस्तान वेल डिजर्विंग था, जो फाइनल खेलना चाहिए था। पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि पाकिस्तान ये फाइनल खेले, बट पाकिस्तान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब देखें यार, यहां क्रिटिसाइज तो बहुत ज्यादा किया जा सकता है हर चीज पे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया बाय बीइंग अ फेवरेट ऑफ दिस टूर्नामेंट, और अब ये बाहर हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो नहीं सकता, फाइनल कभी हुआ नहीं, ये चांस था। लेकिन श्रीलंकन वॉज वेल डिजर्व्ड।